Hello friends, welcome to ByLaw Academy. Last lecture में हम लोगों ने acceptance के बारे में discuss किया था और इस contract lecture series में हम लोग step by step सारे topics को यहाँ पर cover कर रहे हैं और I am trying to deliver my best. मेरी कोशिश ये है कि मैं सारे topics को video lecture के through आपको provide करा सकूँ और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप मी अ मेल. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा और इस तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे. आपके पास बेयर एक्ट, आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए और साथ में आप मेरे वीडियो को देखते जाइए और सारे टॉपिक्स को समझते जाइए. आज इस लेक्चर में हम लोग कंसीडरेशन पर बात करेंगे. कंसीडरेशन को हिंदी में प्रतिफल बोला जाता है, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में डिफाइन है. कंसीडरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. विदाउट कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कैन टेक प्लेस. कंसीडरेशन अगर नहीं होगा, प्रतिफल नहीं होगा, तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है. कंसीडरेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कंसीडरेशन का क्या रोल है, इसको हम दो बातों से समझ सकते हैं, दो प्रोविजन से समझ सकते हैं, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है. वैसे तो हम लोग सेक्शन 2D को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन या हम लोग प्रोविज़न को इंटरकनेक्ट करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में जब आप इंटरकनेक्ट कर पाते हैं तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाते हैं. सेक्शन 10 एंड सेक्शन 25. सेक्शन 10 बोलता है कंसीडरेशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. सेक्शन 25 बोलता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड. ये दो सेक्शंस, इनके साथ हम सेक्शन 2D को पढ़ेंगे तो कंसीडरेशन का पूरा इम्पोर्टेंस, सारे इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे. सी, सेक्शन 10 बताता है कि कब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है. और चूंकि सेक्शन 2H बोलता है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीमेंट किन किन सिचुएशन में जो है इन्फोर्सेबल होगा या एग्रीमेंट के इन्फोर्सेबल होने के लिए किन किन बातों का होना ज़रूरी है वो सेक्शन 10 में बताया गया है. और सेक्शन 10 में जो एलिमेंट्स बताए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल नहीं होता है, ठीक है. इसमें बताया गया है सेक्शन 10 में कि कॉम्पिटेंट पार्टीज़ का होना चाहिए, ठीक है. एग्रीमेंट को करने के लिए जो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हैं, अगर कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है, है ना, तो ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएगा. फ्री कंसेंट होना चाहिए और ऐसा एग्रीमेंट कुछ कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए. कंसीडरेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, और एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए. ये सारी बातें सेक्शन 10 के अंतर्गत बोली गई हैं. यहाँ पर जो हम ये देखते हैं मेड फॉर सम कंसीडरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन का होना ज़रूरी होता है. और कंसीडरेशन कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 2H में कंसीडरेशन, सॉरी सेक्शन 2D में कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है. इसके साथ साथ सेक्शन 25 बोलता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड. ये बात आपको याद रखना है, अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, वॉइडेबल भी नहीं होगा, वॉइड होगा, एब इनिशियो. अगर विदाउट कंसीडरेशन कोई एग्रीमेंट है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, राइट. अब आते हैं हम लोग कि कंसीडरेशन के अंतर्गत क्या एलिमेंट्स रखे गए हैं, कंसीडरेशन की क्या डेफिनेशन है. ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपको जो यहाँ पर दे रहा हूँ, इसमें हम
सिर्फ कंसिडरेशन का ओवरव्यू लेंगे और कंसिडरेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और रीड विथ सेक्शन 10 एंड सेक्शन 25 ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल में एक एक प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो कंसिडरेशन को हम दो पार्ट में समझेंगे, एक तो जो आज इस लेक्चर में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ रीड विथ सेक्शन 10 एंड 25, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको दूंगा उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को जो 2D के अंतर्गत दिए गए हैं उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको डिटेल में समझना जरूरी है, राइट। सेक्शन 2D बता रहा है कि कंसिडरेशन का मतलब होता है वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, राइट। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ये कहाँ पर दिया गया है? ये सेक्शन 2C में दिया गया है, ठीक है। और प्रोमिस क्या होता है? सेक्शन 2B में बताया गया है जब ऑफर को एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो ऐसा ऑफर प्रोमिस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा सेक्शन 2B में बताया गया है। अब जो प्रॉमिस कर रहा है यानी कि जो ऑफर है वो प्रोमिसर हो जाएगा और जो सेकंड पार्टी है वो प्रोमिसी हो जाएगा। तो एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, जो प्रोमिसर है उसकी डिज़ायर पर, उसकी इच्छा पर, है ना, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एंड प्रोमिसिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यहाँ पर तीनों ही बातें बता दी गई हैं। यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक तो एक ये बोला जा रहा है कि प्रोमिसर की डिज़ायर पर, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो यानी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें प्रोमिसी और प्रोमिसी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कंसिडरेशन क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर तीनों ही कंसिडरेशन की बात आ जा रही है, अगर आप 2D की जो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर आप देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी तीनों बातें आ जा रही हैं? एक तो पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों बातें जो है बिल्कुल क्लियरली लिख दी गई हैं, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, इससे पहले हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कर चुका है या फिर हैज़ डन या फिर कुछ करने से एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब उससे अलग रहना, विरत रहना, ठीक है, विरत रह चुका है, राइट। जैसे प्रोमिसर ने कुछ बोला और उसकी इच्छा पर जो सेकेंड पार्टी है वो या तो उसने कोई काम किया, तो जो उसने कोई काम किया है वो कंसिडरेशन होगा, या किसी काम को करने से अलग रहा है, ठीक है, किसकी इच्छा पर? प्रोमिसर की इच्छा पर। तो ये क्या हो गया? पास्ट कंसिडरेशन हो गया। इसके बाद प्रेजेंट की बात कर रहा है, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कोई काम करता है प्रोमिसर की इच्छा पर या कोई काम करने से अलग रहता है, किसकी इच्छा पर? प्रोमिसर की इच्छा पर। और बाद में बता रहा है प्रोमिसिस टू डू, या प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस करने का मतलब कि अब फ्यूचर में कोई काम करेगा। तो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है, ये बात आप इन वर्डिंग से इन्फर कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब आगे बोला गया है सच एक्ट एब्सटेंस और प्रॉमिस, यानी कि ऐसा कोई कार्य जो किया जा चुका है या हो करेगा या करने का प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा कार्य या एब्सटेंस यानी कि उस किसी काम को करने से अलग रहना, एक्ट एब्सटेंस या फिर फ्यूचर में कोई एक्ट करने का प्रॉमिस करना, एक्ट एब्सटेंस और प्रॉमिस, ये तीनों चीज़ें जो हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? इस कंसिडरेशन फ्रॉम द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन 2D के अंतर्गत ये कंसिडरेशन के एलिमेंट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। इनको आप 10 और 25 के साथ पढ़ोगे, है ना, जब आप इसके साथ पढ़ेंगे तो आपको कंसिडरेशन पूरा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आप ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं एलिमेंट्स के तौर पर 2D के अंतर्गत, इनको एलोबोरेट करेंगे विथ
रेलिवेंट केस लॉ के साथ और इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप क्या करिए, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए और बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। योर सजेशन इज़ ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच।